नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम एसन पांडे है। साइंस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन गुरु में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमने अभी प्रीवियस अपना देखा हुआ है कि विटामिन्स का सेक्शन कंप्लीट किया हुआ है, आप उसको जा करके बहुत अच्छे से व्यू कर सकते हैं। पूरा का पूरा विटामिन सेक्शन उसमें डील किया है और आपको मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर बहुत ज़्यादा कुछ जाने की आवश्यकता है, उतना सफिशियंट है आपके लिए, है ना। ठीक है, तो चलिए हम आगे का आते हैं टॉपिक्स पे। उन चीज़ों को ज़रा देखते हैं जो साइंस से लेनी देनी तो हैं पर हल्का सा उससे हटके हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके एग्ज़ाम में साइंस से सारे क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं सारा पूरा का पूरा साइंस का सेक्शन धीरे धीरे आपके सामने लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। आप पूरा उसको देखें, गारंटी है कि अगर 25 क्वेश्चंस आएंगे तो आपके 20 कम से कम वहीं से आपको इन्हीं लेक्चर से मिल जाएंगे। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है इस समय बाहर का माहौल भी ख़राब है, कोरोना वगैरह ये सब इतना फैला हुआ है कि कोई निकलने नहीं दे रहा है, कोचिंगें बंद हैं, आपको कहीं से सही आउटपुट नहीं मिल रहा, तो क्यों ना इसका हम घर बैठे फ़ायदा उठाएँ, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यार, अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज एक बढ़िया सा टॉपिक है, आप रिवोल्यूशन क्रांतियां आपने सुना होगा, रिवोल्यूशन। यहां से सवाल बन जाते हैं, किस तरह से सवाल बनेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम देखेंगे जरा, रिवोल्यूशन, ठीक है ना, क्रांतियां, और वो भी हमारे साइंस के फील्ड में देखेंगे हम, ठीक है ना। जनक की भी बात करेंगे जहां जरूरत रहेगी हमें, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन में। आप नोट करते रहिए, कलम वगैरह निकाल लीजिए, ठीक है, थोड़ा तेज चलते हैं ताकि आप जल्दी से सारी चीज़ों को कवर भी कर लो, और जहां मन लगे आपको स्क्रीनशॉट लेना है कि यहां पर पूरा लिखा हुआ है, आप उस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोशिश करूंगा कि मैं पूरा लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या रहती हैं, एक्सप्लेन करी जा सकती हैं, उनको उस तरह से एलिबोरेट करके लिखाया नहीं जा सकता, है ना। देखते हैं ज़रा, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि ये कुल मिलाकर के फसलों से इसका लेना देना है, ठीक है। तो इस रिवोल्यूशन में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, उत्पादन जो है वो बढ़ाया गया, ये अप एरो का मतलब है कि बढ़ाया गया। और उनमें कौन सी प्रमुख थी, उनमें प्रमुख थी गेहूं, ठीक है ना, वीट, उनमें आपकी प्रमुख थी वीट। रिवोल्यूशन का मतलब है कि क्या पहले गेहूं नहीं हो रहा था, अचानक से गेहूं होने लगा, ऐसा नहीं है। जो पैदावार हो रही है उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे पानी की अच्छी सुविधा हो आपके पास, वहाँ से भी फसलें इंक्रीज होंगी आपकी, बढ़ेंगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा, अच्छे बीज हों आपके, हाइब्रिड सीड्स आएँ, कल्टीवेटर्स अच्छे खासे हल आ गए हैं जोतने के लिए, ठीक है, थ्रेशर्स आए हुए हैं, मशीनें आए हुए हैं ताकि आप जल्दी से उस फसल को निकाल करके दूसरी नई फसल कम समय में आप उसको बो सकें, ठीक है, उसकी बुआई कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हाइब्रिड सीड्स आए हुए हैं उनकी बहुत अच्छी है, कम पानी लेते हैं, ठीक है, और उनमें जैसे बालियां जो लगती हैं वो पहले क्या लगता था, मान लीजिए 3 लग रही तो अब 6 लगेंगी, इस तरह से उनको डिज़ाइन किया गया, इस तरह से उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल मिला करके ही रिवोल्यूशन बोला जाता है, और इनका इस्तेमाल करके उस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। समय कम होता है, पानी कम लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, और फसलें आपकी जल्दी तैयार हो जाती हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, गेहूँ। अब इसकी जरा एक बात और ध्यान दीजिए, जनक, फादर की बात करें, जनक की बात करें, ठीक है, तो पूरे विश्व में ज़रा देखिएगा, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया की अगर बात करें ये वर्ल्ड में माने जाते हैं, ये ठीक है, इनको वर्ल्ड में बोला जाता है। और इंडिया की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन,
ये इनको इंडिया के लिए जनक बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, पूरे वर्ल्ड के लिए अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जी को बोला जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जी को नोबल पुरस्कार दिया गया है, नोबल प्राइज दिया गया है, ठीक है, किस क्षेत्र में भैया, पीस में, शांति में। कई बार ऑप्शन में एग्रीकल्चर लिखा रहता है, कृषि लिखा रहता है, उसको लोग आंसर मार्क कर देते हैं, एग्रीकल्चर में नोबल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो नोबल प्राइज दिया गया इनको शांति के लिए, किसको भैया, नॉर्मन बोरलॉग जी को। और एक प्राइज और है जो दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, उसको नॉर्मन बोरलॉग प्राइज बोलते हैं। जैसे अगर नॉर्मन बोरलॉग प्राइज की बात करूं तो वह किस में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जी को किस में दिया गया था, इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। क्लियर। तो यहां पर इनको याद रखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, खासकर उसमें गेहूं। फादर है नॉर्मन बोरलॉग, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में है एम.एस. स्वामीनाथन, और नोबल पुरस्कार इनको दिया गया है शांति के क्षेत्र में। एक पुरस्कार है जिसको नॉर्मन बोरलॉग प्राइज बोला जाता है, वह कृषि के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पर। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, ऐसे कह लीजिए आप। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है यह। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फादर की अगर बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन को जनक माना जाता है। दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया, और इसमें एक बात याद रखिएगा, एक ऑपरेशन फ्लड आता है, आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा ऑपरेशन फ्लड। यह बाढ़ से संबंधित नहीं है, यह दूध के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, दूध के उत्पादन से यह संबंधित है। क्या भैया आपका, ऑपरेशन फ्लड, ये नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है, जो लोग वनडे की तैयारी कर भी रहे हैं, जो लोग पीसीएस वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी यह वीडियोस काफ़ी सही साबित होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप प्लीज़ उनको भी देख, इसको देख लें, आपका साइंस का सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं ज़रा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं ताकि हर तरह के लोग इन चीज़ों को देख पाएँ, उसको एनालिसिस कर पाएँ। अब ऑपरेशन फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो कहीं बार बार मत लगा दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। फादर कौन है, वर्गीज कुरियन है, दूध का उत्पादन बढ़ाया गया, ठीक है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति की बात हो गई, क्लियर। नेक्स्ट क्रांति पर आते हैं जरा हम, नेक्स्ट क्रांति है आपकी येलो रिवॉल्यूशन। क्रांतियां बहुत सारी हैं पर हमको सिर्फ अपने काम की देखनी है। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति, ठीक है। इसमें क्या काम किया गया, ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाया गया, तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति में तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, और इसके अगर जनक की बात करेंगे तो सैम पित्रोदा जी हैं, ठीक है। सैम पित्रोदा, फादर कौन है, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, तो पीली क्रांति में तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, और इनके जनक कौन है, सैम पित्रोदा, ठीक है। जहां पे मैं जनक लिखाऊंगा सिर्फ आप उन्हीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बाकियों के जनक उन्हें कितना याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनके जनक लिख रहे हैं, बाकी ये पूछा जाता है कि किसमें क्या किया गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जरा हम, लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति,
लाल क्रांति, ठीक है, इसमें क्या काम किया गया, टमाटर प्लस मीट मांस, टमाटर और मांस इसका उत्पादन बढ़ाया गया और इसके जो जनक हैं वो हैं आपके विशाल तिवारी। विशाल तिवारी को माना जाता है इसके लिए जनक। लाल क्रांति में टमाटर और मांस का उत्पादन बढ़ाया गया, इसके जनक हैं विशाल तिवारी को इसका जनक बोला जाता है, एक तरीके से फादर माना जाता है, है ना। नेक्स्ट आते हैं भैया, गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन गोल क्रांति, आप केवल इसमें याद रखिए यह किससे संबंधित है, बस गोल क्रांति है आलू से संबंधित पोटैटो से संबंधित है, पोटैटो का उत्पादन बढ़ाया गया, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। आगे आते हैं जरा हम, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति में भैया अंडे का उत्पादन बढ़ाया गया, अंडे का उत्पादन बढ़ाया गया, ठीक है ना, एग इसका उत्पादन बढ़ाया गया। इसके लिए अगर फादर की अगर हम बात करेंगे, इसके लिए जनक की बात करेंगे, ठीक है, फादर मतलब यहाँ जनक हो रहा है, ठीक है, मेल फीमेल पे मत जाइए, ठीक है। इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है, नोट कर लें आप। आगे आते हैं जरा हम, पिंक रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, गुलाबी क्रांति प्याज और प्लस झींगा उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति जो आपका है वह प्याज के उत्पादन और झींगा मछली आप ऐसे कह लीजिए, उसको खाते हैं प्रॉन्स, ठीक है, इसको खाते हैं, तो ये इसके लिए पिंक रिवॉल्यूशन जो है, गुलाबी क्रांति, इन दोनों से लेना देना है इनका। और इसके लिए अगर फादर की बात करेंगे तो दुर्गेश पटेल। आगे आते हैं जरा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, अगर इसको बोलें तो नीली क्रांति जो है आपका मछली उत्पादन से है, जो आपकी नीली क्रांति है वो मछलियों के उत्पादन से है, है ना। इसके लिए अगर मैं जनक की बात करूं तो डॉक्टर हीरा लाल चौधरी इनके जनक माने जाते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं, रजत क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन में प्याज और झींगा, फादर दुर्गेश पटेल, ब्लू रिवॉल्यूशन में नीली क्रांति बोला जा रहा है, मछली उत्पादन बढ़ाया गया, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, क्लियर। चलिए आगे आते हैं जरा, ये आपको याद रखने हैं, बस ये यहां से सवाल बन जाती हैं क्यों, कई बार इसमें फंसा देता है, प्याज और झींगा दोनों ऑप्शन में लिखा रहता है और एक ऑप्शन ये लिखा रहता है ए और बी दोनों, ठीक है, तो वहां से आप इन दोनों को आप ध्यान दीजिए, प्याज और झींगा, है ना।
चलिए आगे देखते हैं जरा हम, गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसमें इसमें आपका फल है ना, फल, सब्जियां, बागवानी, इनको बढ़ावा दिया गया ना, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गार्डनिंग। गोल्डन क्रांति में फल, सब्जियों, शहद, शहद भी है, हनी, हनी, ठीक है ना, हनी दूसरा मत समझिए, यहाँ वाला हनी समझिए, शहद वाला, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गार्डनिंग, हनी, फल, शहद, बागवानी, इनको बढ़ावा दिया गया किसमें, गोल्डन क्रांति में। गोल्डन क्रांति में इनको बढ़ावा दिया गया। और जो है इसमें अगर इनके जनक की बात करें तो ये है निरपाक तुतेज, अजीब सा नाम है पर ये इसके फादर हैं, ठीक है, निरपाक तुतेज इनके फादर हैं गोल्डन क्रांति में। एक और आता है उसको बहुत याद रखिएगा अच्छे से, कन्फ्यूज़न हो जाता है, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति में क्या होता है कि आपका जूट, जूट का उत्पादन बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया भैया, आपका जूट का उत्पादन बढ़ाया गया गोल्डन फाइबर में। फाइबर के नाम से याद रखिएगा कि आपका कहाँ चला आ रहा है, जूट आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्डन है सब्जियों को लेकर के, बागवानी को लेकर के, शहद को लेकर के, इनको याद रखें, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी और इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो गोल्डन फाइबर क्रांति आपका जूट के उत्पादन से लेना देना है इसका। नेक्स्ट अगर आए एक और देख लेते हैं, तो एक आता है ग्रे रिवॉल्यूशन। इसमें कई लोग जो है मतलब एग्री नहीं करते, लेकिन ये सही है। ग्रे रिवॉल्यूशन में, ग्रे रिवॉल्यूशन आसमानी रंग नहीं होता है, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन में आपका, ग्रे रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक का उत्पादन बढ़ाया गया, उत्पादन बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर्स ग्रे रिवॉल्यूशन में इसका उत्पादन बढ़ाया गया, फर्टिलाइजर्स का उत्पादन आपका बढ़ाया गया किसमें, ग्रे रिवॉल्यूशन में, गोल्डन फाइबर में जूट का उत्पादन बढ़ाया गया, और गोल्डन क्रांति में आपका किसका उत्पादन बढ़ाया गया, जो है फ्रूट्स के ऊपर ध्यान दिया गया, फलों, सब्जियां, बागवानी एंड शहद के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं जरा भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन। मैं अंग्रेजी शब्द इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि कई बार इन्हीं के नाम पर आता है यह भूरी क्रांति, क्योंकि वो लोग उससे समझ जाते हैं ना, तो वो आजकल स्मार्ट हो गए हैं। तो यह आपका किसके लिए है, कॉफी के लिए है, कॉफी होती है, और चमड़े के लिए भी है, यह लेदर के लिए भी है, ठीक है। जहां मैंने सिर्फ नाम लिखा है आप वहां नाम याद रखिए, और वहां पे जनक के याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पे जनक पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन्हीं की हम बात करेंगे, वरना कितना जनक वगैरह याद रखेंगे। आप बस इतना याद रखिए ब्राउन रिवॉल्यूशन में, भूरी क्रांति में, कि कॉफी और चमड़े का उत्पादन जो है इसमें बढ़ाया गया है, क्लियर है। तो यहाँ मोस्टली आपकी क्रांतियाँ जो हैं वह कंप्लीट होती हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।